ਭਲੋ ਭਲੋ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਣਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਕਰੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਔਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਜ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂਰ ਬਣਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਓ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਦੇ ਧੂਰ ਬਣਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਓ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂਰ ਬਣਾ ਦੇ ਰੱਬਾ
बना दे रब्बायो नांदी जेड़े तेरा नाम जप दे मैनू पूर बना दे रब्बायो नांदी जेड़े तेरा नाम जप दे वाहे गुरु 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 सारे जपो जी वाहे गुरु 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 नैन दिन पर बात तू है ही गावना वाहे गुरु रैन दिन पर बात तू है ही गावना जी जंत सरबत नाओ तेरा त्यावना वाहे गुरु तू दाता दातार वाहे गुरु तेरा दिता खावना भगत जना कै संग पाप गवावना वाहे गुरु भगत जना कै संग पाप गवावना वाहे गुरु जन नानक सद बलिहारे बल बल जावना जन नानक सद बलिहारे बल बल जावना ऐसे गुर कौ बल बल जाइए 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 आप
मुकत मोह तारै, आप मुकत मोह तारै, ऐसे गुरु का बाल बाल जाइए, ऐसे गुरु का बाल बाल जाइए, मुकत मोह तारै, ऐसे गुरु का बाल बाल जाइए, ऐसे गुरु का बाल बाल जाइए, परम सम्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हो, आओ सब तो पहला रसना सफल करो, गुरु बख्शी फतेह बुलाइए, प्यार सत्कार दे नाल दोवें हाथ जोड़ के तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं सीस झुका के सब माई भाई फतेह दी सांझ पायो। जिथों तक भी आवाज़ पहुँचती है, कोई भी रसना वांझी ना रवे, सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां सारे भाई महेंद्र सिंह दी अंतम अरदास विच शामिल होने वास्ते आए हैं, जिन्हां ने भाई बचित्र सिंह दे घर विखे जन्म लिया। तकरीबन 87 साल की उम्र भोग के इस नासवंत संसार नूं अलविदा कह के उस वाहिगुरु के चरणों में जा बराजे। सो समुचे ही परिवार वालों रल मिल करके गुरु घर का वो टासरा तकदिया होया पातशाह दी रब्बी बाणी दे पाठ प्रकाश करवाए गए सन, जिन्हां दे अज संपूर्णता भोग का समा है भाई। सो कुछ समा रब्बी बाणी का कीर्तन होना है, रल मिल करके आप गुरु घर की विचार गुरबाणी की कथा सांझी करांगे, और जिन्ना समा परिवार वालों मिले है समय मुताबक फिर रल मिल के अरदास करांगे कि हे वाहिगुरु मेहर करियो, विछड़ी हुई आत्मा नूं अपने चरणों विच निवास देना। पिछे जिन्ना भी परिवार है उसनूं भाणा मनन दा बल बख्शिश करना। जिहड़ा भी प्राणी सतगुरु दी शरण विच आउंदा है, मालक दे दर घर दी हाजरी भरदा है, मेरे पातशाह भी गुरमुख प्यारियो उन्हूं फल जरूर दिंदे, क्योंकि आप लिख गए सतगुर की सेवा सफल है,
जे को करे चित लाए। जिहड़ा चित्तों खुश होके करदा है ना भाई, थोड़ी बहुती जिन्नी भी सेवा करे उन्हूं फल जरूर मिलता है गुरमुख। पर कई बारी साडा मन नहीं हुंदा गुरमुख, असी विखावे मात्र लोक लज्जों सेवा भी करते हैं, पुनदान भी कर दें, पर जे मन नूं खुशी ना होई अधूरे मन नाल कीते हुए कर्म कदे रास नहीं आउंदे हुंदे गुरमुख। इस करके गुरबाणी पढ़नी है चित्तों खुश होके पढ़नी चाहिए है, और उन्नी क पढ़ो जिन्नी दी सानू समझ पै जे गुरमुख। सेवा करनी है खुश होके करो भाई, तो कोशिश करो सत्संग दी हाजरी जरूर भरनी चाहिए। 84 लाख जूनां दे विचों महाराज ने मनुख नूं सरदारी बख्शी है। ये भी लिखता कहंदे इस धरती मैं तेरी सिकदारी, अवर जोन तेरी पनहारी। कहंदे ऐ मनुख इस धरती दे उत्ते तैनू मालक बनाता, बादशाह बनाया, बाकी जिन्नियां जूनां ने ये तां तेरे अगे पानी भरनगियां। ते आपां वेखदे भी हाँ जे मनुख ने चाहिया शेरां नूं भी वस कर लिया गुरमुख, जे मनुख ने चाहिया चंद्रमा तक पहुँच कर ली गुरमुख, जे मनुख ने चाहिया राज भाग वधा ले, जे मनुख ने चाहिया धर्म की गल सुन के सेवा सिमरन किया भगतां ने रब नूं भी वस कर लिया। आखो सतनाम। नाम देव की बनाई छपरी, धन्ने दियां गऊं चारियां, वो प्रेम की गल सी गुरु। ते जिथे प्रेम है उत्थे तुहानूं पता है आपां बिना बुलाई जाने हैं, ते जिहदे नाल बनदी ना होवे वो भावें सद्दी जावे आपां कहिंदे आपां नहीं जाना भाई, क्यों बनदी नहीं है। देखो जिन्नी सृष्टि साजी उस वाहिगुरु ने साजी, ते गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने फैसला दिता है, कहिंदे जे भाई तू चाहुंदा ना मैं सुखी होवां, सुख मिलन, ता तू अपने धर्म मुताबक अपने गुरु की शरण विच आ जा। जो सुख कौ चाहै सदा, शरण राम की ले। कहिंदे प्रभु दी राम दी जिहड़ा वाहिगुरु सारियां विच रमिया होया उहदी शरण विच आ जा, ते जिहड़े मालक दी शरण विच आ गए उहनां दा सत्कार भी होया है, ते उहनां दी अज पूजा भी हुंदी है। दुनिया कहिंदी है भी उदां दा जीवन किते साडा बन जावे। 694 अंग दे उपर गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इक शब्द आउंदा गुरमुखो रविदास पातशाह जी दा। रविदास महाराज जी जिहड़े काशी बनारस विच पैदा होए, ते उन्हां दे समय हालात ऐसे सी जिहड़ी चमार बरादरी सी ना इह भजन नहीं सी कर सकदी, रब दा नां नहीं सी जप सकदी, कल्ला ब्राह्मण विद्या पढ़ सकदा सी, बाकी नहीं सी पढ़ सकदे, अड्डो अड्डी कम सौंपे होए। किसे नूं कहता भी तू खेतीबाड़ी करनी है, होर नहीं कुछ कर सकदा, किसे नूं कहता भी तैं परायां दी सेवा ही करनी है कम वंडते। उस वेले भी
रविदास महाराज पैदा होए जिन्हां ने परमात्मा की भगती की थी। नाले मनाही सी, रोकिया जांदा सी, फिर भी भजन किया। तो अज वेख लो संसार विच अमूरे आ रहे हैं दिहाड़े। हर पिंड हर शहर विच रविदास महाराज जी के दिहाड़े मनाए जाणगे। आखो सतनाम। कारण की वह प्रभु नाल जुड़ गए गुरमुख। तो जिथे कोई प्रभु का प्यारा बैठा है वह जातां पातां नहीं वेखदा हुंदा गुरमुख। आपां भी देख लो, ये देखते हैं भी सानू कौन की दे रहा है। जिन्हां दी समाज नू कुछ देन होवे उन्हां दी पूजा होई। सो रविदास महाराज कहिंदे जे भाई तू परमात्मा दे नाल प्रीत पाउणी चाहुंदा है तां सतसंग करिया कर, क्योंकि प्रेम तो बिना भगती नहीं हुंदी। लिख के गए है साध संगत बिना भाओ नहीं उपजै। कहिंदे साध संगत विच आए तो बिना तेरे अंदर प्रेम पैदा नहीं होना। भाव बिन भगत ना होए तेरी, प्रेम तो बिना प्रीत तो बिना परमात्मा की भगती नहीं हो सकती। आखो सतनाम। ये शब्द दे विच सानू बहुत कुछ समझ आया। कहिंदे चित सिमरन करो नैन अवलोकन। कहिंदे हिरदे दे विच परमात्मा का सिमरन करो वध तो वध जिन्ना भी हो सक। जिहड़ियां तेरियां अखां ने ये जदों भी देखण, हरेक विच देखण भी ये भी परमात्मा का रूप है। जिवें गुरुद्वारे आके कहिंदे आ ना भी किसी का बुरा नहीं सोचना, झूठ नहीं बोलना, हथ पला धो के जाइए, सुचता नाल जाइए। महाराज कहिंदे जे संसार नू भी ऐं समझ ले, इहो हर का रूप है। ये जिहड़ा संसार है ये भी परमात्मा का ही रूप है। जे सारे इस तरह की जिंदगी जिउण लग जाइए फिर गुरमुख प्यारो ना लड़ाइया झगड़े होण, ना तोपां तलवारां ठाणियां की लोड़ पैनी। पर आपां मन्नदे नहीं हाँ। महाराज कहिंदे ने चित सिमरन करो, कहिंदे हिरदे दे विच परमात्मा नू याद करो। अखां दे नाल जदों भी वेखदे हो सब नू परमेश्वर दा रूप वेखो। नैन अवलोकनो श्रवण बाणी सो जस पूर रखो। कहिंदे जिहड़े कन्न है ना ये सुनन वास्ते लाए है, ते कन्नां दे विच निंदिया चुगली नहीं सुननी। परमात्मा दा जस सुनो, इन्हां नू पूरे भर लो प्रभु दी वडियाई दे नाल। मनसो मध कर करो चरण हिरदै धरो। जिहड़ा मन है इहनू कहिंदे भौरा बना लै, ते गुरु दे चरण ऐ समझ ली भी कमल फुल है। जिवें कमल फुल दे उत्ते भौरे जांदे आ रस मानण, इदां ही तेरा मन हमेशा मालक नू याद रखे। मनसो मध कर करो चरण हिरदै धरो, रसन अमृत राम नाम भाखो। जीभा दे नाल जदों भी बोले बचन ओहे जे करिया कर जिन्हां विच रब दी याद होवे। आखो सतनाम। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जे ना घटै। महाराज जी कहिंदे रब करे उस प्यारे नालों मेरा प्यार कदे घटे ना, वधदा ही जावे। क्यों भला मैं तो मोल महंगी लई जी सट्टै। रविदास महाराज जी कहिंदे परमात्मा दे नाल मेरी प्रीत तां पैगी, पर ये प्रीत एवें नहीं पई, मैं बहुत कीमत चुकाई है। तुहानू पता है ना किन्ने दुख झले। सिकंदर लोधी ने फड़ फड़ जेलां च बंद कर देना भी तू रब दा नां क्यों जपदा। उस वेले दे विरोधी भी विरोध करते सी, रब दा नां नहीं जप सकता, विद्या नहीं पढ़ सकता। कष्ट तो उन्होंने बहुत झले। वो कहिंदे मेरी प्रीत परमात्मा नालों घटे ना, क्योंकि मैं तो बहुत महंगी लई है। किन्नी क महंगी? कहिंदे जिंदगी दाते लाई है। आखो सतनाम।
की पता सी भी उन्होंने की करना सी विरोधियों ने गुरु कहिंदे जिंदगी दाते लाती सारी ता मिली है रब दी प्रीत। फिर सानू समझाया जे तुसी भी चाहुंदे हो साडी भी जय जयकार होवे साडा भी सत्कार होवे पातशाह कहिंदे सतसंग विच आया करो वध तो वध भजन करिया करो परमात्मा दे नाल प्रेम पै गया फिर ही उहदी भगती कीती जानी है। साध संगत बिन भाव नहीं उपजै भाव बिन भगत न होए तेरी कह रविदास इक बेनती हर स्यों पैज रख हो राजा राम मेरी। रविदास महाराज कहिंदे परमात्मा तेरे अगे मेरी एक प्रार्थना है बेनती है कि हुण मेरी पैज रखो। राजा राम तो भाव है वह अकाल पुरख वाहिगुरु जिहड़ा सारिआं विच रमिया होया सारी सृष्टि का मालिक है। ये वाहिगुरु मेरी पैज रखो क्योंकि सुनिया है भगत धन्ना जी महाराज कहिंदे ने वो कहिंदे ने गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता। कहिंदे मैं तां सुनिआ है कि जेड़े परमात्मा तेरी भगती करदे आ तुसीं उहनां दे कारज सवार दिओ। आखो सतनाम सुन के भगत धन्ना जी महाराज रब की इबादत करन लग गए सी। रब उहनां कोले प्रगट होया गुरमुख क्योंकि गोबिंद भाओ भगत दा भुखा गोबिंद भाओ भगत दा भुखा सच्ची प्रीत लोड़दा गोबिंद भाओ भगत दा भुखा सच्ची प्रीत लोड़दा भाओ भगत दा भुखा सच्ची प्रीत लोड़दा गोबिंद भाओ भगत दा भुखा सच्ची प्रीत लोड़दा गोबिंद भाओ भगत दा भुखा सच्ची प्रीत लोड़दा गोबिंद पाओ भगत दा भुखा सच्ची प्रीत लोड़दा जेड़ा दर ते आए सवाली भर दे झोली मोड़े ना खाली दर ते आए सवाली भर दे झोली मोड़े ना खाली जेड़ा दर ते आए सवाली भर दे झोली मोड़े ना खाली भर दे झोली मोड़े ना खाली ना निराशा मोड़दा गोविंद पाओ भगत दा भुखा सच्ची प्रीत लोड़दा गोविंद पाओ भगत दा भुखा सच्ची प्रीत लोड़दा गोविंद पाओ भगत दा भुखा सच्ची प्रीत गोविंद पाओ भगत दा भुखा सच्ची प्रीत लोड़दा गोविंद पाओ भगत दा भुखा सच्ची प्रीत लोड़दा ओदी नजर तकहन सियाने पल विच करदे रंग तोराने ओदी नजर तकहन सियाने पल विच करदे रंग तोराने ओदी नजर पल विच कर दे रंग तोराने जीदा कोई कौड़ी मुल ना जाने जीदा कोई कौड़ी मुल ना जाने करते लख करोड़ दा गोविंद पाओ भगत दा भुखा सच्ची प्रीत लोड़दा 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 जेड़ा परमेश्वर है गुरमुखो वो प्रेम दा भुख है। जिन्हें भी परमात्मा नाल प्रेम पालिया ओदी हुंदी आ जय जयकार ते जेड़े परमेश्वर नूं भुल जाण वो चाहे जिन्नियां मर्जी कमाइयां करी जाण
जिन्ना मर्जी राज भाग बधा लैन, जो मर्जी करी जान, भोरा भी कदर नहीं पैंदी। आखो सतनाम, जे कदर पाउनी है तां गुरमुखो, भावें गरीब हो भावें अमीर हो, भावें राजे हो भावें नौकर हो, भावें मालक हो ते भावें दिहाड़ीदार हो। ठीक है, जिथे जिथे मालक ने किरत बख्शी है वह करो जरूर, पर नाल नाल परमात्मा का भजन शुरू कर दो, फिर साडा भला होना है। ते जे सेवा सिमरन भगती करके आपां मालक दी निगाह विच ना आए, फिर साडी किसे ने बात नहीं पुछनी। आखो सतनाम। आओ गुरु तेग बहादुर पातशाह सानू गुरबाणी बख्शिश कर गए। श्लोक महला नौवां, गुरमुख नौवें महले दे श्लोक जिन्हां नू कहिंदे आ, जदों भोग पैंदा ना उदों बाणी पढ़ी जांदी। आपां श्लोकां दी विचार करिए, महाराज की समझाउंदे आ भला। गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे, संसार विच फिर के देखिया, कोई तो कहना भी बचपन वाला चंगा सी, ना कोई फिक्र सी, बापू बापू कहिंदे सी, बड़े सखाले रहिंदे सी। ते बच्चे कहिंदे आ भी बापू वाला चंगा, इहदी मर्जी चलदी है, इहदे कहने च चलदे आ सारे। पर जदों फिर विआह शादी करा लईदा, औलाद पैदा हो जाए, बापू बन के ये पता लगता भी नहीं बचपन ही ठीक सी। तो कहिंदे आ ना सियाने भी बापू बापू कहिंदे सी, बड़े ही सुखाले रहिंदे सी। जद दा बापू अखवाया है सानू सुख दा साह नहीं आया है। आखो सतनाम। कई बारी बच्चे मिलते हैं, वो चाहते ने भी साड़ी मर्जी चले। माँ बाप कहिंदे आ भी आ करो, आ नहीं करना, इदां जीवन जिउणा है। कई बच्चे फिर चाहते हैं ना भी ये एवें घूरी जाते हैं, साडा घर होवे फिर साडी मर्जी अनुसार जिंदगी चले। तो जदों आपदा बन जाता है सुखी उदों भी नहीं हुंदे गुरमुख, फिर जिम्मेवारियां बढ़ जांदियां, कमाउणा भी है खवाउणा भी है। कोई कह दिंदा भी बजुर्ग वधिया घरे बैठे आ, कमा के आपां लिआउने इन्हां नूं बैठियां नूं खवाई दे, पर महाराज कहिंदे ये दुनिया ना जिहड़ी भुलेखे च ही आ। आखो सतनाम। जदों बजुर्गां नूं मत्था टेको, पैरी हाथ लाई दे आ, जदों वह कहिंदे आ ना भी जिउंदा वसदा रह जवानियां माणे, उहदा कारण की है? ना तां बच्चा आपदी मर्जी कर सकदा है, ते ना बुढ़ा ही कर सकदा है। कई घरां च बजुर्ग बैठे है, हुण जी तां उहनां दा करदा होणा, भज भज के कम करिए, आपदी मर्जी दा खाइए। जे नूं किते परौंठे बना भी देवे ना, कहणगे नहीं भाई हुण खाधे नहीं जाने, क्योंकि हजम नहीं होना तली चीज। जे कहो भी लै बापू गुलाब जामुन आईयां जलेबियां आईयां खा लै, नहीं नहीं मैनू तां शूगर है, जी तां करदा हुंदा नहीं, शरीर साथ दिंदा, तां ही बुढ़ेपे नूं चंगा नहीं मन्निया। जवानी पहरे जो मर्जी खाइए, जिधर मर्जी भज्जीए, गर्मी सर्दी का भी कोई बाली परवाह नहीं हुंदी, जवानी नूं चंगा समझिया जांदा है। पर गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे ने, बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान, कहिंदे तीन अवस्था माने बचपन जवानी ते बुढ़ेपा। लो पहला श्लोक सुन लो, नाल नाल अर्थ सुनी चलियो। अपने मन नूं समझाउणी है इह गल भी मना किधर भज्जिया फिरदा। गुरु दे बचन सुनिया कर, 1428 अंग ते इह बाणी लिखी होई है गुरु, कदे समा मिले जरूर पढ़ियो। गुरु साहब की कहिंदे हन, बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान। सतगुर कहिंदे बचपन है जवानी है ते बुढ़ेपा, तीन अवस्था वा शरीर दियां, पर बंदे आ याद रखी। कहो नानक हर भजन बिरथा सब ही मान,
कहिंदे जे परमात्मा दा भजन ना कीता तिन्ने ही बेकार है। हुण तुहानूं लगदा भी ये गल सच्ची है, जे नहीं लगदा तां सुण लो, किन्ने ही बचपन लंघ गए, किन्नियां ही जवानियां लंघ गईआं, किन्ने ही बुढ़ेपे लंघ गए, अपने अखां दे सामने देखदिआं देखदिआं किन्ने दुनिया चली गई ना। किसी नूं आपदे पड़दादे दा नाम याद हैगा, भुल जाने, वध तो वध पिता दा नाम याद है, दादे दा याद है, पड़दादे तो पहला जिहड़े होए किसी नूं नहीं चेते होना गुरमुख, पर कुछ ओह सी जिवें आपां जिक्र कीता रविदास महाराज जी दा, कबीर जी दा, धन्ना जी महाराज दा, सैन जी महाराज दा, बाबा फरीद जी महाराज, ते जे याद करिए शहीदां नूं, अजीत सिंह जी साहिबजादा, जुझार सिंह जी साहिबजादा, जोरावर सिंह जी साहिबजादा, फतेह सिंह जी साहिबजादा, अजीत सिंह पर जवानी गुरमुख, जुझार सिंह जवानी च पैर धरदे सी अजे, ते बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ये 7 ते 9 साल दे बच्चे है, पर इन्हां ने धर्म नूं पहल देती। अज देखो फिर दुनिया नमस्कारा करदी आ, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। शहीद भाई तारू सिंह जी वल देख लो, उदों हालात इह जे बन गए, समें दी सरकार कहिंदी सी वी सिखां नूं नहीं छड्डणा, जिवें अज कल वी खास करके पंजाब दे दुश्मन बने हुए हैं। उदों गुरमुख प्यारिओ सरकार चाहुंदी सी वी सिखां दा खुरा खोज खत्म कर दिओ, सिंघणियां नूं चुक चुक के तसीहे दिते मीर मन्नू ने। जकरिया खान कहिंदा जिथे किते सिख मिले उहदा सिर वढ के लियाओ, मैं तुहानूं माया दिऊं। जिहड़ा सिख दा सिर वढ के लै जांदा ना, उहनूं इक टका दिंदे, ते लोग लालच विच आके कई लड़कियां दे सिर वढ के लै जांदे, उहनां दे वाल खोल के ना सिर दे, वी इह नौजवान मुंडे दा सिर वढ के लियांदा सिखां। इदां वी होया इतिहास, पढ़िया करो गुरमुख। आ जिहड़े अज घरां च सुख नाल बैठे आ, बच्चियां नूं लाड लड़ाउने आ, पढ़ा लिखा के चाहुंदे आ वी नौकरियां लग जाण, अफसर वी बन गए कई बच्चे, इह सानूं किहने बनाउणा सी जे साडे गुरु साहिबान ते सिंघां ने कुरबानियां ना कीतियां हुंदियां। गुरमुख भुलना नहीं चाहिदा, ऐसे हालात सी ते सिंह कई जंगलां च छुप के रहिंदे, ते भाई तारू सिंह घरे लंगर लाता, गुरमुख आए गए नूं भी प्रशादा छकाया करे, ते जंगलां दे विच जिहड़े सिंह सी उहनां नूं भी प्रशादा छकाया करे, लंगर दी मर्यादा। निरंजनिया महंत जी नूं हर भगत कहा जांदा सी, उहने चुगली करती, भाई तारू सिंह नूं फड़ के लै गए, कई तरहां दे तसीहे दित्ते, आखिरकार इह कहा सी वी तैनूं छड्ड देंगे, तूं कह दे मैं सिख नहीं हां। पर भाई तारू सिंह जी कहिंदे मैं तां चाहुंना मेरी सिखी केसां सवासां संग निवे। जकरिया खान कहिंदा केसां केसां दा वाला माण करदा, इहदे केस उतारो। भाई तारू सिंह जी कहिंदे केस गुरु की मोहर है, मेरे गुरु की निशानी है, इन्हां नूं ना हथ ला दी किते। कहिंदा ठीक है, केस नहीं कटदे, ऐं करो इहदी खोपड़ी उतारो। कहिंदे जे केस कट्टांगे तां किहड़ा दुख लगना है, पर खोपड़ी जदों लावांगे उदों तां दुखी होऊ ना। देखदे आ भी किन्ना कु गुरु दा बणदा है, अपने वाला कम नहीं सी भी माड़ा जिहा दुख आ गया, छड्ड जांदे आ गुरमुखो आपां। उह जाण के खोपड़ी लाई सी भी इहदी खोपड़ी लाहो, फिर देखांगे भी भाणे च रहिंदा है जां नहीं रहिंदा। जालमां ने खोपरी लाती, पर भाई तारू सिंह जी ने मुखों सी नहीं कही।
जपजी साहब का पाठ करते रहे, वाहिगुरू वाहिगुरू जपया। जकरिया खान कहिंदा सी मैं मार मार जुत्तियां तेरे सारे शरीर दे बाल झाड़ दूं, पर भाई तारू सिंह जी कहिंदे मैं जुत्ती मूहरे ला के तैनू नरकां च छड के जाऊंगी। उही होया फिर भाई तारू सिंह दी खोपड़ी ला के किले दे पिछे डूंगी खाई सी, उत्थे छिटता गुरमुख। भाई तारू सिंह खोपड़ी लाउण तों बाद भी 21 दिन जिउंदे रहे, ते सिमरन दा गुरु नाल प्रेम निभाउण दा फल यह मिलिया, जकरीए नूं पेशाब दा बन्न पै गया। बड़े इलाज कराए ठीक ना होवे, फिर सिंघां ने गुरमता कीता सी वी तारू सिंह दी जुत्ती लैके इहदे सिर च मारो। भाई तारू सिंह दी जुत्ती लैके जकरीए खान दे सिर विच मारदे रहे, उन्हूं पेशाब आउणा शुरू हो गया। कहिंदा आराम आ रहा, होर मारो जोर नाल, होर मारो। ऐ जुत्तियां खांदे खांदे दी मौत हो गई सी, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हालांकि उन्हें बहुत तसीहे दिते सी सिखां नूं, भाई सुबेग सिंह शाहबाज सिंह नूं चरखरी चाढ़िया। ये कित्थे लिखिया भी जे किसी नूं भोजन छका दो ते उहदे बदले उहदे खोपड़ी ला दो गुरमुख। इत्थों सिक्ख्या लैनी है भी जालमां दा दुख देण वालियां दा तां आ हाल हुंदा है। ते अज जकरीए नूं कोई पुछदा इत्थे, ते भाई तारू सिंह जी अमर शहीद, पर जवानी दी उम्र सी 22-23 साल दी सारी, गुरु के लेखे लाती जवानी, ते भाई तारू सिंह दी थां थां याद मनाई जांदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अपने नाल केड़ा कोई रिश्तेदारी सी पता थानू, फिर भी जदों अरदास करांगे याद करांगे भी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां। खोपरी भाई तारू सिंह दी लाही है, ये रविदासीए सिखां च होया भाई तारू सिंह, ते अज थां थां उन्हां नूं याद कीता जांदा है। तेरे मुंडे दा विआह है तां भी अरदास वेले उन्हां दी याद जरूर आऊ। तेरे किते मरग दा भोग पैंदा तां भी याद करेगा। मुंडे दा जन्मदिन है जदों अरदास करेगा, सुबह शाम जदों भी अरदास करेगा, उन्हां शहीदां नूं याद करदे करदे आपां आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण ये पंगती मेरा ख्याल है थोड़ी पकड़ विच आ गई होनी है। महाराज कहिंदे बाल जवानी अर बिरद फुन, बचपन जवानी ते बुढ़ेपा तिन्ने अवस्थावां शरीर दियां लंघ जांदियां है, जे तां परमात्मा दा भजन करे फिर तां लेखे विच है, जे भजन नाल तूं नहीं जुड़िया सेवा नहीं करदा फिर तिन्ने ही बेकार है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज 72 साल की उम्र ऐं लंघी सी संसारक धंधे करदे, 72वें साल च जाके ज्ञान मिल गया भी भगती बिना कदर नहीं पैनी, सेवा करो। फिर वह गुरु अंगद देव महाराज के दर ते आके सेवा च लग गए, ते बुढ़ेपा भी लेखे पै गया, वह भी गुरु बने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इथों ही समझ लो जे बचपन भी लंघ गया, जवानी भी लंघ गई, बुढ़ेपा आ गया, अजे भी समय महाराज कहिंदे ने अजे कुछ नहीं बिगड़िया तेरा, हर गुण गाए लै मनाई, अजे कुछ नहीं बिगड़िया तेरा, हर गुण गाए लै मनाई, हर गुण गाए लै मना, अजे कुछ नी बिगड़िया तेरा, हर गुण गाए लै मना, अजे कुछ नी बिगड़िया तेरा, हर गुण गाए लै मना, अजे कुछ नी बिगड़िया तेरा, हर गुण गाए लै मना, अजे कुछ नहीं बिगड़िया तेरा।
महाराज कहिंदे हजे भी समय इनू संभाल लै, भन्न दे मट शराब दे ला ठेके नू अग, ओ पी के प्याला नाम दा चरनी गुरां दे लागा खो सतना। श्री वाहिगुरु। अगे गुरु तेग बहादुर महाराज फिर समझाउंदे हन, करनो हुत्यो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद। ये अपनी गल कीती महाराज, कहिंदे जिहड़ा करना चाहिदा सी ओह तां कीता ही नहीं, ते जिहड़ा नहीं करना चाहिदा सी ओह करी जांदे आ। करनो हुतो सो ना कियो परे ओ लोभ कै फंद, लोभ लालच विच फस के औखे ही होए आ, नाले पता है भी नाल कुछ नहीं जाना। जिवें हुण मन लो किसे दे विआह च चले जाओ, अगे तां कई कई दिन रहिंदे, हुण तां विआह भी बस दो चार घंटियां दा रह गया गुरु, जां रिश्तेदारी च मिलन चले जाओ, उत्थे सोची दा ना भी थोड़े समय लई आए आ, कोई कम ना बिगाड़ दीए। जिहड़ा तां बंदा रिश्तेदार दा जाके दुख वंडावे, उहदी मदद करे, उहनूं तां चंगा मन्निया जांदा है, ते जाके उत्थे माड़ी माड़ी गल ते कलेश ही पाई रखे, अगला कहिंदा इदू तां ना ही आउंदा चंगा सी, साडा कम तां ना बिगड़दा। इसे तरह गुरमुखो मनुख दी इक लंबी यात्रा है, आ भी आपां थोड़े दिनां वास्ते ही आए हाँ, कोई एक दिन रहिंदा, कोई साल रहिंदा, कोई दस साल, कोई पंजाह साल, कोई सौ साल भी रह जांदा है, नाल ना तां कुछ लियाए हैं ते ना ही जाना है। इत्थे जिहड़ा दूजियां दा भला कर लांगे, सुख वंडा लांगे, संसार नूं सोहना बनाउण वास्ते जतन कर लांगे, उन्हां करके सानू चंगा कहणगे, ते जे बुराइयां ही वधाइयां है फिर चंगा नहीं मनना, सब ने माड़ा ही कहना है। आखो सतना श्री वाहिगुरु। फिर क्यों लान ता खटिए गुरु महाराज कहिंदे, करनो हुतो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद। कहिंदे थोड़ा थोड़ा करके तेरा समा बीतदा जांदा है, ये ना होवे कि ते मंगरो रोना ही पल्ले रह जे, बाद विच ता पछतावा ही हुंदा। इस करके हुण अपने समें नू संभाल। मन माया में रम रहयो निकसत नाहिन मीत। जिहड़ा साडा मन है ना, ये माया विच इन्ना खचत हो गया, माया कल्ला पैसा ही नहीं हुंदा गुरु, जिन्ना कुछ भी संसार च वेखदे आ, महाराज कहिंदे महा माया है तिसकी छाया, यो वाहिगुरु ने साडे वास्ते छां कीती है। जिवें गर्मी दे दिनां च कोई राही तुरिया जांदा, दरख्त दी छां हेठां बहि जे उहनूं आराम तां आउंदा, सुख मिलदा, ते जे उह सोचे भी छां सी चंगी मैं पंड बन के नाल लै जां, इदां तां नहीं ना हो सकदा। इसे तरह जिहड़ा कुछ आपां संसार च वेखदे आ ना भाई, ये तो मालक ने सानू सुख देण वास्ते एक छां कीती है, नाल ये भी नहीं जाना, पता है सब नू। ते पातशाह कहिंदे मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। हे मेरे मित्र, हे सतसंगी जनों, माया बिच मन खुब गया, ये निकलन दा ना ही नहीं लै रहा, पर हुंदा की है अगे दसदे हन। नानक मूरत चित्र ज्यों छाड़त नाहिन पीत। कहिंदे इन्ना माया च मन खुब गया जिवें कंध दे उत्ते एक फोटो बना दीए ना चित्र, वो छेती छेती नहीं लैंदा हुंदा गुरमुख, ऐ मन माया बिच खचत होया पिया है। नर चाहत कछ और की और पई। पातशाह कहिंदे जिहड़ा मनुख है ये चाहुंदा तां कुछ होर है पर हुंदा कुछ होर है गुरु, चाहुंदे तां आपां सारे ही आ भी असीं भी प्रधानमंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, साडा हुक्म चले, पर नहीं बनता। यह गुरु
चाहते तो सारे ही हाँ भी बुढ़े कानू होना जवान ही रहीए पर फिर भी हो रहे हैं। नर चाहत कश और की और भई अगे महाराज दसते हैं चित वत रहे उठ गौर नानक फांसी गल परी। कहिंदे मनुख दूजियां नूं तां धोखा दिंदा है, दूजियां नूं धोखा दिंदा भी मैं भी आ कर लां, आ भी कर लां, आ भी कर लां, मैं सुखी होऊंगा, पर दूजियां नूं धोखा दिंदा दिंदा आप ही फस जांदा है। नानक फांसी गल परी। ते सियाणे बैठे हो पता ही है ये शरीर नूं सौखा रखण खातर की कुछ नहीं कीता गुरु। आखिरकार बुढ़ेपा आ गया, मौत आ जाती है, बस मौत रूपी फाही गल च पै जाती है। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। महाराज कहिंदे सुखी होने वास्ते जतन तो बहुत किते, पर जिथों दुख आउंदा उत्थे कोई जतन किया ही नहीं। इहदा भाव यह समझ लियो, कई कहिंदे ना भी दुख वास्ते कुछ नहीं किया, दुख वास्ते कौन करदा गुरमुखो? कोई कहिंदा भी बीमारी है तू मैनू आके चिंबड़ जा, इहदा मतलब यह नहीं है। मतलब यह है भी इत्थों भी सुख मिल जाए, इत्थों भी सुख मिल जाए, जतन तो बहुत किते, पर जिथों दुख आउंदा है उत्थे असीं कुछ नहीं किया। दुख कित्थों आउंदा भला? मन तो। जिहड़े बंदे कमजोर होण गुरमुख प्यारे हो, वह माड़ा जिहा दुख आ जाए तो छेती डोल जाते हैं। हुण एक बंदा मान लो सारा दिन मेहनत करके 300 रुपया दिहाड़ी कमा के लिया है, तो आउंदे आउंदे उहदा डिग पे, उहदा तो मरन हो जाता है ना, भी सारा दिन मेहनत की, बच्चों को खवाउणा सी, मेरे तो डिग पिया 300, उहदे वास्ते उही बहुत वड्डी गल है। तो कई वह भी ने जिन्हां नूं घरे बैठिया हजारां लखां रुपया रोज की आमदन है, जो उन्हां दा हजार भी डिप के वह कहिंदे फिर की हो गया, कोई परवाह नहीं। कई बैठे ही नशियां ते लाई जांदे है, क्यों? उन्हां कोले लोड़ तो वध है गुरमुखो। इसे तरह मन की अवस्था है, जिन्हां दा तां मन कमजोर है गुरमुखो, वह तो माड़ी माड़ी गल ते डोल जांदे है, कई आत्महत्या तक कर लैंदे है। तो जिन्हों का मन बलवान है, आत्मा तकड़ी है, वह फिर गुरमुखो जिन्ने मर्जी दुख आ जाने डोलते नहीं। ता ही तो भाई दयाला जी वर्गे, भाई तारू सिंह वर्गे, मतीदास सतीदास वर्गे दुखी ही नहीं होए गुरमुखो। तत्ती तवी ते बह के भी गुरु अर्जन देव साहब कहिंदे तेरा किया मीठा लागे। 7 ते 9 साल के साहबजादे वजीदे नूं कहिंदे जिन्ने मर्जी दुख दे लै, असीं तां चढ़दी कला च ही रहना है। क्यों? क्योंकि भजन ज़्यादा सी। असल विच जे सुखी होना है साडा मन नूं बलवान करना पऊगा। जे मन तकड़ा फिर दुखां दी परवाह नहीं हुंदी गुरमुखो। ते मन नूं जे तकड़ा करना है, पातशाह कहिंदे परमात्मा दा भजन वधा दे, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण जिहड़ा बंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा जीवन पढ़ ले, उहदे घर च कोई दुख आ जाए तां उह की कहिंदा है? भी कोई नहीं, साडे गुरुआं ते भी इह समां आया है। आ हुण दिल्ली किसान मोर्चा लग्गिआ है, किन्ने ठंड दे दिन उत्थे कई बजुर्ग भी बैठे आ, बच्चे नौजवान मातावां भैणां भी बैठीआं। आ पिछले दिनों च पता किदां दीआं पोस्टां पाईआं फोनां ते, भी माता गुजर कौर जी छोटे साहबजादे भी इन्ने ठंड च बैठे सी, असीं उही हाँ, सानू नहीं ठंड कुछ कर। क्यों? हौसला मिलदा गुरु। इसे करके महाराज कहिंदे इतिहास पढ़, गुरबाणी पढ़ जे सुखी होना है। ये चंगे माड़े समय दुख सुख तो चलदा ही रहिंदा भाई। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। जे चाहुंदा ना भी दुख मैनू दुखी ना करे, फिर परमात्मा नाल सुरत जोड़ के भजन करिया कर। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। आ गल सारे मन च वसा लिए भी ए मेरिया मना कानू एवें सुख च होमै जी करदा, दुख वेले रोई जाना, ये तो जो मालक नूं पाउंदा वो हुंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हर भावै सो होए। जगत भिखारी फिरत है
सब को दाता राम। कहिंदे ए जेड़ा संसार है ये तो आप भिखारी है, भिखारियां तो की मंगना। जे कुछ मंगना चाहना है दाता देन वाला परमेश्वर सतगुरु आप है। कहो नानक मन सिमर तेहे पूरन होवे है काम। कहिंदे तू परमात्मा दा सिमरन करिया कर, ओनू याद करिया कर, तेरे सारे काम पूरे हो जाणगे। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान। कहिंदे झूठा मान ना कर संसार दा, ये संसार तो सुपने वांगू ही है। जिवें रात नू सुपना आउंदा है, कोई राजा बन जाता, कोई भिखारी बन जाता, जो अख खुलदी है भी मैं तो इत्थे ही हाँ, भुल जाने ना, परवाह नहीं करते। इस तरह जे जिंदगी विच कदे माड़ा समा भी आ गया, महाराज कहिंदे उहदी चिंता छड्ड, तू अगे तो चंगा जीवन जिऊ अपना, अगे नू वधिया कर्म करिया कर, तेरा भला हो जूगा। इन मैं कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। आ लै लो सुखी होने का तरीका दसता महाराज। कहिंदे मन च पक्की कर ला ये गल भी, जिन्ना कुछ संसार च वेखदा है ये तेरा नहीं हैगा। दुखी क्यों होंने? मान लो किसी नाल सांझ पै गई, प्यार पै गया, मित्रता पै गई, अगला कल नू पासा कर जे आप दुखी होंने भी लै मैं तो यदा इन्ना करता सी, मैनू पासा ही कर गया। जे पहले ही पता भी नहीं है मेरा नहीं, जिन्ना समा ये नाल मैं वरतना है, कोई यह जा कर्म ना करा, कल नू दुनिया माड़ा कहे, भला करा, चंगे बोल बोला, फिर चाहे अगला टुटी जावे आपां नू कोई दुख नहीं हुंदा। गुरमुख पता ही सी भी टुटने। हुण धीआं जम्मीआं घर दे विच, जिद्दे तो धी जम पे सियाने मां बाप नू फिकर हुंदा भी इहने बगाने घर जाणा है, आपां उहदे वास्ते लोड़ींदा तिल फुल भी जोड़दे आ भी आह भी दे दईए, आह भी दे दईए। ते मापे चा नाल दिन रखते हैं, व्यौंदे आप तोरदे है ना, क्यों पता हुंदा भी जाना है। इसे तरह आपां भी गुरमुख प्यारियो ये मन लो भी आ जेड़ा संसार है ये पेका घर है, सबना सहुरा वंजना सब मुकलावन हार। कहिंदे इत्थे वाला मोह ना पा, जिन्ना क समा नैण प्राण चलदे है आपदा कर्म चंगा करिया कर, इहदे विच तेरा कुछ नहीं है। गर्ब करत है देह को बिनसै छिन में मीत। हुण महाराज कहिंदे जिन्हां दा शरीर तकड़ा होवे उह भी माण कर लैंदे आ भी मेरे वर्गा कौण है। असीं प्रचार करदे आ, कई वारी सानू भी माण हो जांदा भी अपने वर्गा कौण है, अपन तां दुनिया सुणदी है। महाराज कहिंदे भी झूठा ही है, हंकार ना कर, जेड़ी देही दा मान करदा इहदा तां भरोसा ही कोई नहीं। बिनसै छिन मैं मीत, हरेक चीज़ दी कोई ना कोई मनियाद है ना गुरमुखो, गरंटियां दिंदे है। फोन खरीदो कहणगे साल भर दी गरंटी है, ट्रैक्टर खरीद लो, गड्डियां खरीद लो, पर एक मनुख है जिहदी एक सैकिंट दी भी गरंटी नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कई बारी जन्म लैण वेले जच्चा बच्चा दोनों ही मर जांदे आ, कोई गरंटी नहीं। इस करके महाराज कहिंदे फिर हंकार कादा करदा फिरदा है। गर्व करत है देह को बिनसै छिन मैं मीत। ये शरीर विच स्वास चलण नूं तां 6 महीने लगे, जदों तो बच्चा मां दे पेट विच आउंदा है ना, कहिंदे 5वें जां 6वें महीने जाके स्वास चलदे आ, शरीर पहलां तैयार हुंदा मां दे पेट विच, पर जिदे स्वास शरीर नालों टुटने है एक खेनी लगना है। ये बाबा फरीद जी महापुरश लिख के गए है, कहिंदे गंढेंदे आ 6 माह तुड़ंदे आ एक खेनी। इस करके हंकार ना कर पाई, ये देही ने एक छिन विच ही टुट जाना है। जेहे प्राणी हर जस कहो नानक तेहे जग जीत। हुण आ सानू बहुत वड्डी गल कहती पातशाह ने, कहिंदे देही ने तां टुटना ही टुटना, पर जेड़े इंसान परमात्मा दी महिमा करदे आ, भजन करदे आ ना,
वो संसार नूं जित लैंदे आ ते सदा वास्ते उन्हां दी जय जयकार होनी होनी। गुरु जेह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जी, वो संसार नूं जित के जांदे हन। जेह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। गुरु तेग बहादुर कहंदे जेड़े शरीर विच परमात्मा दा सिमरन चलदा है वो मुक्त है संसार विच। जेड़ा रब दा नां लैंदा है ना वो किसे ते विपता आ जाए उहदी मदद जरूर करूगा। वो बंधना च नहीं फसदा, उहनूं पता हुंदा है वी इह तां मालक ने कृपा कीती है, जे अपने कोले सुख है जिहदे कोले नहीं थोड़ा बहुत उहनूं वी दे दईए आपां। की पता इत्थे किहदे भागां दा आ रिहा है। गुरमुख जरूर कार्ज भले दे करने चाहिए है। महाराज कहिंदे कल्ला मर के ही ना मुक्ति मंगदा रह जी, जिउंदे जी भी मुक्त हो भाई, थोड़ा बहुता संसार दे भले लई जतन करिया कर। तेहे नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। गुरु जी कहिंदे सच्ची करके मन लै ये गल, जिहड़ा परमात्मा दा नाम जपदा है उस मनुख विच ते परमात्मा विच कोई फर्क नहीं है। तेहे नर हर अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। नाम जपण वाले जपदे रहन ते रब दा ही रूप हो जांदे हन। एक भगत भगवान जेहे प्राणी कै नाहे मन। हुण पहला तां गल कीती जिहड़े नाम जपदे है वह रब दा रूप हुंदे है, ते फिर सोचिया भी जिहड़े नहीं जपदे उन्हां बारे भी लिखता। कहिंदे इको एक परमात्मा है, जिहड़े बंदे दे मन विच उहदा भय है नहीं, उहदा डर है नहीं, रब दा नाम नहीं जिहड़ा जपदा। एक भगत भगवान जिहे प्राणी कै नाहे मन, जिहड़े प्राणी दे मन विच रब दा नाम नहीं चलदा उहनूं पता महाराज ने की कहा। अगे दस रहे हन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। बहुत वड्डी गल है, कहिंदे जिहड़े रब दा नाम नहीं जपदे जहे दा ते मंडी कलां पिंड दा कुत्ता ते सूर, ओहे जे ओ मनुख है जिहड़े रब दा नाम नहीं जपदे। ते हुण अपनी मर्जी है भी आपां रब दा रूप होना है जां आ दर्जा लेना है। इस करके किरत भी करो पर सुबह शाम परमात्मा दा नाम भी जरूर जपना है, वंड के भी छकना है। ये साडे सतगुरु जी ने सानू दस्या है। स्वामी को गृहो ज्यों सदा स्वान ताजत नहीं नित। अगे उदाहरण दित्ती सानू समझाउण वास्ते, कहिंदे जिवें किसे मालक ने कुत्ता पालिया होवे वो मालक दा दर नहीं छड्डदा, दो रोटियां भी पा दो खा के सारी रात पहरा दिंदा गुरमुख। कहिंदे उत्थों ही सिखिया लै ला, जिवें वो मालक दा दर नहीं ना छड्डदा भावें उहनूं कुट्टण लग जिओ, जिहड़ा तां आवारा फिरदा उहदी तां गल नहीं है। स्वामी को गृहो, जिहड़ा घर दे मालक दा कुत्ता पालिया है जे किते डंडा लै के उहनूं कुट्टण भी लग जिओ ना, वह वढ़दा नहीं, वह मालक दे पैरां च ही डिगदा है। महाराज कहिंदे इस तरह मालक दे दर दा सेवक बन जा। नानक एह बिद हर भजो इक मन होए इक चित। कहिंदे जिहड़े धर्म च हैगा अपने धर्म च परपक हो जा, मालक भावें देवे दुख भावें देवे सुख अपने मालक दा दर ना छड्डी। तीर्थ बरत अरदान कर मन मैं तरे गुमान। कई बारी आपां तीर्थां ते जाने आ, कोई वर्त रखदा है कोई दान करदा है, ठीक है चंगी गल है, पर महाराज कहिंदे किते ये ना होवे भी होमै हो जाए भी मैं तां बलाई चंगा बाकी तां उहीं तुरे फिरदे आ। इन्हां दा भी मन विच हंकार नहीं करना। नानक नेह फल जात तेहे ज्यों कुंचर इशनान। सतगुर कहिंदे तीर्थां ते जाके दान पुन करके जे होमै करनी है भी मैं चंगा बाकी तां उहीं तुरे फिरदे आ, मेरे वर्गा कौन है, जो मैं कहता उही सच है।
ये भी सतगुर कहिंदे आए हैं जिवें हाथी नाले तां नहा लैंदा नदी ते ते बाद च चिकड़दा भर के सुंड अपने पिंड च फिर पा लैंदा है। धर्म कारजां दा भी हंकार जिहड़ा करना है हाथी दे इशनान वाली ही गल है। सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोत ते हीन। सतगुर कहंदे बुढ़ेपा आ गया, अवस्था ऐसी होगी सिर कंबण लग गया, पैर भी साथ नहीं दिंदे, लत्तां डगमगा रही हैं, पैर थिड़क रहे ने, नैन जोत ते हीन, अखां तो घट दिसना शुरू हो गया। पता है भी हुण जाण दा वेला आ गया, पर कुछ मनुख फिर भी महाराज कहिंदे इदां दे हुंदे हन। कहो नानक एह बिद पई तौ ना हर रस लीन। कहिंदे हालत तां इहो जी होगी फिर भी रब दा नां नहीं लैंदे, नाले पता भी असीं भजन करन वास्ते ही आए हां संसार विच। ते सतगुर कहिंदे भाई अजे भी तेरे कोले समा है, संभल जा। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे। गुरु तेग बहादुर जी कहंदे मैं ता नेड़े हो के देखिया है, संसार दा बहुत कुछ कीता पर इत्थे कोई नहीं किसे दा गुरु। अगे अगला वचन फेर कहंदे हन नानक थिर हर भगत है तेहे राखो मन माहे। कहंदे जे सदा रहन वाली है वह है परमात्मा दी भगती, उनू भाई अपने हिरदे च बसा लै, जे गल कही सच करके भी दिखाती। दिल्ली दा बादशाह सी औरंगजेब, फौजां उहदे अधीन, राजे महाराजे उहदे अधीन, अज किते नाम निशान हैगा गुरमुखो। ते गुरु तेग बहादुर जी नूं दिल्ली च चांदनी चौक च बिठा के शहीद किया, उत्थे अज सिर झुकदा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर की फायदा होया फौजां दा राज भाग दा गुरु, मतलब की परमात्मा दा भजन जेडे करदे आ संसार दे भले लई जेडे चलदे आ उन्हां दा ही संसार विच नाम रहिंदा है। जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीतो। कहंदे जेड़ा संसार दी रचना है ना ये झूठ है। हुण इत्थे समझ लियो गल नूं, झूठ कौन हुंदा है जेड़ा बदले गल कह के बंदा उत्थे जाके मुकर जी आपां कहिंदे आ झूठा है। सतगुर कहंदे जेड़ी संसार दी रचना है ये बदल रही है, कदे दिन है रात है, गर्मी है सर्दी है, मनुख कदे बच्चा सी बिरध होया जवानी आ गई, दरख्त पैदा हुंदे आ फिर खत्म हो जांदे आ, ये बदलाव विच है सारा कुछ। कहो नानक थिर ना रहै ज्यों बालू की पीत। सतगुरु कहंदे जिवें रेते दी कंध हुंदी है ना ये संसार भी इसे तरह ही है, इन्हें सदा नहीं रहना। राम गयो रावण गयो जा को बहु परवार। दोनों का जिक्र किया, रामचंद्र नूं त्रेते युग दे अवतार मन्या, गुरु ग्रंथ साहब ने भी मन्या त्रेता तै माण्यो राम रघुवंश कहायो, शरीर करके तो वह भी गए ने, ते जेड़ा रावण सी शरीर करके वह भी गया। गुरु कई वीर राशियां मानते हैं ना, हुण राशि राम की भी उही है रावण की भी उही है, जिदे रावण मरदा है राम जी वास्ते तो उही राशि खुशी की है, तो रावण वास्ते सब तो माड़ी है। इस करके महाराज कहिंदे राशियां नाम ये तो कम चलाउण वास्ते रखे हुंदे, असल विच देखिया जांदा भी तो कर्म की कीता है। ते रामचंद्र महाराज की तो थां थां पूजा है, ते रावण नूं देख दियो फिर हर साल बुत बना के फूकिया ही जांदा है गुरमुख। इस करके अपने मन नूं समझाउणा है जिथे तेरी चलदी है किते जुल्म ना कर बैठी भाई, जालमां दा तां अंत ही होया है। कहो नानक थिर कश नहीं सुपने ज्यों संसार। कहंदे रावण दा बहुत वड्डा परिवार सी, राम दी भी बहुत प्रभता सी, शरीर करके दोने ही गए गुरमुख,
पर जिन्हें जो कर्म किए उन्हें करके अज उन्हें याद किया जाता है। तू भी समझ लै भी ये संसार सुपने दे वांगू है, इत्थे सदा कुछ नहीं रहिंदा। चिंता तां की कीजी है जो अनहोनी होए। सतगुर कहंदे चिंता उस गल दी करिया कर जेड़ी किसे नाल ना होई होवे। साडे ते दुख आ जे, घर च मौत हो जे, कोई रोग लग जे, आपां चिंता च हुन्ने आ ना। ये तां महाराज कहंदे सब नूं होई जांदा सारा कुछ, इहदी चिंता ना कर। ये शुक्र करिया कर भी जिन्ना चिर स्वास चलदे आ मैं कोई सेवा सिमरन करां। एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। कहंदे जमना मरना दुख सुख चंगे माड़े समय ये तो संसार दा मार्ग है, इत्थे सदा कोई भी थिर नहीं रहिंदा। जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल। जो भी पैदा होया उसने एक दिन खत्म भी होना है। गुरु जो जम्मे है उहदी मौत भी होनी है, परो आज कै काल। पर कहिंदे ये नहीं पता भी अज जां कल कदों मौत ने आके अपना पंजा मार देना है। ये भी शुक्र करो भी मौत का समा नहीं पता लग्या। जिन्हों पता लग जाए तो जिउंदे ही मरिया हुंदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। आ जिहड़ी आस लैके दिन रात भज्जे फिरदे आ इहदे नाल संसार च वाधा हो रहा है। गुरु महाराज कहिंदे मौत एक अटल सच्चाई है, इहने आउणा ही आउणा, मौत तो नहीं डरना। फिर करना की है अग्गे दसदे हन। नानक हर गुण गाए ले साड सगल जंजाल। कहंदे संसार दे जंजाल छड़ दे, तू परमात्मा दे गुण गाया कर। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। परमात्मा दा भजन करिया कर भाई, इहदे विच तेरा भला। सो 52वां श्लोक भोगदा गुरु साहब ने कृपा कीती, आपां तो सेवा लई है गुरमुख। जो सुनिया इनू रल मिल करके अपने हिरदे च वसाउणा है। गुरमुख प्यारिओ जिहड़े जिहड़े ये गुरु साहिबां दे वचन मन के भजन सिमरन सेवा नाल जुड़ जांदे है उन्हां दी संसार विच सदा वास्ते जय जयकार हुंदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तां ही महाराज कहिंदे नानक हर गुण गाए ले छाड सगल जंजाल। ये जिहड़े भोग दे श्लोक है ना, ये गुरु तेग बहादुर जी जदों दिल्ली कैद सी उदों लिखे ने। चिट्ठियां लिखियां सी अपने परिवार नूं समझाया सी वी चिंता ना करिओ, इत्थे राम भी नहीं रहा ते रावण भी नहीं रहा। वाहिगुरु दा गुण गाओ, भजन करो। अगे है दोहरा बल छुट के बंधन परे कशु ना हो तो पाए। कहिंदे हुण बंधन पै गए, बल भी छुट गया, कोई उपा नहीं हो रहा। कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। हुण तां कहिंदे परमात्मा दा ही आसर है, जिवें हाथी दी रखिया कीती सी सुदर्शन चक्कर चला के, हुण तां उही सहाई होऊगा। जदों ये चिट्ठी पहुंची आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोले, ते उदों गुरमुख प्यारिओ गुरु गोबिंद सिंह ने इधरों भी एक बचन लिखिया सी, कहिंदे बल होआ बंधन छुटे सब किश हो तो उपाए, नानक सब किश तुमरै हाथ मैं तुम ही हो तो सहाए। कहिंदे हे गुरु पिता जी ताकत भी हैगी आ, बंधन भी छुट जाणगे, ये कोई होर नहीं सहाई होना, सब कुछ थोड़े ही हाथ है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर एक चिट्ठी उधरों आई, महाराज कहिंदे संग सखा सब तज गए को ना निभ्यो साथ। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी वर्गे कहिंदे वह भी संगी साथी साथ छड गए, हुण नाल कोई नहीं हैगा। कहो नानक यह बिपत मैं टेक एक रघुनाथ। कहिंदे ऐसा बिपता दा समय हुण तां उह परमात्मा दा ही आसर है। ते कई विद्वान ये भी कहिंदे ने कि जदों कश्मीरी पंडित चल के आए गुरु तेग बहादुर जी दे कोले, उन्होंने भी ये बेनती कीती सी वी महाराज हुण ना तां कोई साडा संगी साथी मदद कर सकदा, ना ही साडी कोई सहायता करन वाला है।
हुण तुसीं ही कृपा करो साडी मदद करो। आखो सतना श्री वाहिगुरु। ते महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे फिकर ना करियो, नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोबिंद। कहिंदे संसार दे विच जां तां परमात्मा दा नाम रहना है, जां नाम जपण वाले साधु रहणगे, जां गुरु गोबिंद अकाल पुरख रहूगा, ते जां फिर जिहड़े नाम जपदे आ उह रहणगे। कहो नानक इह जगत मैं किन जपियो गुरमंत। जिन्हां ने गुरु का मंत्र जप लिया वह भी सदा वास्ते अमर हुंदे हन। राम नाम उर मैं गए ओ जाके सम नहीं कोई। कहिंदे सारे जाने परमात्मा का नाम हिरदे च वसा लो, इहदे बराबरी होर कोई नहीं कर सकता। गुरमंत जाके सम नहीं कोई, जिह सिमरत संकट मिटै दरस तुहारो होए। भजन करन दे नाल संकट मिटदे है, ते अकाल पुरख वाहिगुरु जी आप जी का दर्शन भी हुंदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये सतगुरु तेग बहादुर महाराज ने भोग दे सलोकां विच आपां नूं दस्सिया। इस करके भाई आपां यतन करना है। वाहिगुरु जी ने रसना दित्ती, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए संगत जी, वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए संगत जी, वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए। कोई तीज लै परम वाली क्यारी दरगाह च कम आऊगी, कोई तीज लै परम वाली क्यारी दरगाह च कम आऊगी, जिन्ना क समां साडा शरीर नैण प्राण चलदे आ भाई, कोई धर्म की क्यारी बीजी है, चंगा बीज बीजो जिदे करके संसार विच साडियां यादां ही रहणियां रहणियां, इत्थे यादां ही हैं गुरमुख। बाकी तां जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड सगल जंजाल। ये साडे सतगुरु जी ने सानू समझाउणा कीता है। सो सारी संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार नाल बैठ के गुर इतिहास गुरबाणी की कथा सरवण की। आप सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। तुहाडा चलिया होया एक एक कदम महाराज लेखे लाउण, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी आपां नूं दर्शन दे रहे ने। मैं कहना आपां भागां वाले हाँ, कलयुग के समय में अपने गुरु के बचन भी सुनते हैं तो दर्शन भी हो रहे हैं गुरु। सो समा संभालो, हर पिंड हर शहर विच
गुरु घर बने ने अमृत वेले उठ के भाई गुरु घर जाना अपने मालक का दर्शन जरूर करिया करो। जे किसी कारण नहीं जा सकते तो सब तो पहला उठ के इशनान करो, जे कोई प्रॉब्लम है तो पंज इशनाना कर लो, जे वह भी नहीं हुंदा तां रब दा नाम जरूर जपया करो, क्योंकि जिहड़ा इशनान है ये शरीर की सफाई वास्ते है, तो जिहड़ा भजन करना है ये गुरमुख प्यारियो परमात्मा नाल जुड़न वास्ते साढ़े मन की सफाई वास्ते। ठीक है, मर्यादा अनुसार इशनान जरूरी है, पर जे कित मजबूरी बन जाए नहीं भी हो सकता तो यह नहीं भी आप नितनेम छड़िए। गुरु हिंदू है राम राम कह, मुसलमान है अल्लाह अल्लाह कह, सिख है तो वाहगुरु कह लिया कर। भजन जरूर करना, भजन का ही प्रताप है गुरमुख प्यारियो। यही साढ़े सतगुरु जी ने समझाना किया, कई तीर्थां ते जाते ने महाराज कहिंदे जाओ कोई गल नहीं, तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है, फिर फायदा जे उत्थे नाम भी जपो। इस करके अपने धर्म विच सिख धर्म विच जिथे किते सरोवर बने नाल नाल भजन बंदगी जरूर चलूगी, ते जेड़े तीर्थां ते रब दा नां नहीं जपिया जांदा वह फिर रौनक मेला तो देख लोंगे, शरीर की मैलता लै जो मुक्ति नहीं होनी। गुरमुख साफ महाराज कह गए तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, जिथे जाना जाओ रोकिया नहीं, पर यह देख लिया कर भी उत्थे नाम हैगा। जे तेनू कोई रब का नाम नहीं जपाउंदा, रब की गल नहीं करता, फिर कोई फायदा नहीं जानदा। तो शब्द की विचार अपने अंदर ज्ञान इकट्ठा कर पाई, यही साढ़े सतगुरु जी ने समझाया, कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। कहिंदे इशनान करके जदों परमात्मा का सिमरन करेगा तेरा मन भी तेरा तन भी रोगों तो रहत हो जू। कोट विघन लाथे प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोगा। तेरे करोड़ा जेड़े विघन आने से ना काम च दिक्कतां पैनिया सी वह भी परे हट जाणगियां, सोहना योग बनू जिदे तू अपने मालक का दर्शन करे। आखो सतना। सो यही सतगुरु जी का सिद्धांत है भाई, रल मिल करके आप मनीए। सारी संगत का धनवाद, कोटान कोटवार धनवाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिन्ह ने कृपा की आपां सत्संग दीयां घड़ियां नसीब होईयां। सो मालक अपनी हाजरी प्रवान करे। मेरे वल्लों विचारां करदे आं, कई तरह दीयां भुल्लां चुकां हो गईयां होणगीयां, गुरु साहब ते गुरु की संगत बख्शण योग है, होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शिश करनी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।